वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप बहुत ही आसान तरीके से लाहौरी फिश फ्राई घर पर तैयार करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एज इट इज फॉलो कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले फिश की एक खास किस्म की जो स्मेल होती है उसे दूर करेंगे, उसके बाद इसे मैरिनेट करेंगे। एक बाउल में किंग फिश के स्लाइसेस मैंने रख दिए हैं। अब 2 चाय के चम्मच नमक के शामिल करें। तीन खाने के चम्मच सफेद सिरका आपने शामिल कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद इसे साफ पानी के साथ 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लें। अच्छी तरह से मछली को वॉश करके ड्राई कर लिया। अब दूसरा स्टेप है फिश को मैरिनेट करना। मैरिनेशन के लिए 2 खाने के चम्मच फिश मसाला, 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल कर दिया। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करें और 1/2 लेमन जो है वो स्क्वीज कर दें। मिक्स करने के बाद इसमें 1 चाय का चम्मच दही और थोड़ी सी सुरख मिर्च और नमक मैंने दोबारा ऐड किया, वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते। अब एक एक स्लाइस पे इस तरह मसाले की कोटिंग करते जाएं और कम से कम 2 घंटे के लिए लाजमी फिश को मैरिनेट करके रखें ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर रच जाए। मैंने फिश को ओवरनाइट मैरिनेट किया। अब 2 खाने के चम्मच बेसन लें और उसे पानी में मिक्स करके इस तरह फिश के ऊपर डाल दें। ऑयल के गर्म होते ही एक एक करके फिश के स्लाइसेस फ्राई होने के लिए पैन में रखते जाएंगे। दस से 15 मिनट लगेंगे, फिश दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाएगी। अब फिश को निकाल के प्लेट में गार्निश करके सर्व करेंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी से आप फिश को ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।